Hey, what's up guys, welcome back to my channel। तो आज है भाई 8 मई 2023। तो आज अपन करेंगे अपना Asus का F15 का गेमिंग रिव्यू एक बार फिर से खेलेंगे कुछ जबरदस्त स्टोरी वाले गेम। भाई काफी बड़े गेम आज मैं कैश करने वाला हूँ अपने Asus का F15 के ऊपर, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस जो पहला गेम अपन यहाँ पर खेल रहे हैं उसका नाम है साइबरपंक। जी हाँ, मैं साइबरपंक खेल रहा हूँ अपने Asus का F15 के ऊपर, वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, बेंचमार्क वगैरह आप सब कुछ सामने वहाँ पर देख सकते हैं। और ये साइबरपंक का एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन है, सो इसको बंद में। चल भाई ऊपर ले चला मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है मुझे गेम की। एक बार सेटिंग आपको चेक करवा रहे थे गेम की, मैंने क्या रख रखी है यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने जो क्वालिटी की गेम की उसको मैंने रख रखा भाई लो के ऊपर, लो मीडियम का मिक्सचर है यहाँ पर, और FSR को मैंने रख रखा है क्वालिटी मोड के ऊपर। तो गाइस इस सेटिंग के ऊपर आपको साइबरपंक के अंदर 60 से लेकर 70 तक FPS आराम से देखने को मिल जाते हैं, मतलब 50 से ऊपर ही रहते हैं हमेशा, जो की बहुत ही अच्छी बात है इस गेम के हिसाब से। ये गेम भाई गाइस आपको पता होगा ये गेम काफी फेमस था, ऑप्टिमाइज नहीं था तो ये गेम काफी फेमस था भाई, आपको पता ही होगा। लेकिन अब इस गेम की जगह दूसरा गेम ने ले लिया है, उसका नाम मतलब सोनी का गेम है वो समझ गए होगे आप कौन से गेम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बेंचमार्क वगैरह के ऊपर आप ध्यान देते रहो भाई, गेम बहुत ही प्यारा चलता है मेरे लैपटॉप के ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले इस गेम का पूरा वीडियो डाला था, तो वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको और भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा भाई कि गेम कैसा परफॉर्म किया था उस वीडियो के अंदर। बहुत ही शानदार चला था ये वाला गेम और अभी भी वैसे ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, काफी मजा आ रहा है गेम खेलने में। और एकदम लेटेस्ट वर्जन है साइबरपंक का, हमेशा मेरे पास लेटेस्ट वर्जन ही होता है, पता नहीं कैसे पर होता है। अरे यार मेरे को उसको F से टेक आउट करना था पर मैंने क्यों दबा दिया यार। चलो कोई बात नहीं, धमाकेदार एंट्री अपनी यहाँ पर। सामने है क्या कोई? चल 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 साले, चल बैठे जा, तेरा काम हो गया। और कितने यार यहाँ पर, कितने आएंगे? चलो वो तो गया सामने से एक। अरे यार अपने को निपटा दिया उसने यहाँ पर। तो गाइज आपने देख लिया होगा साइबरपंक कैसे चला अपने Asus के F15 के ऊपर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइज जो सेकंड नंबर का गेम है यार, उसका नाम है WWE 2K22। आई नो 2K23 अवेलेबल है, लेकिन यार मेरे पास यही वाला गेम है तो मैं यही खेल सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो एनीवेज एलेक्स को अपन चलते हैं, इस गेम को खेलते हैं यहाँ पर। ओके एक्सका के अंदर चलते हैं, सेकंड एक बार आपको दिखा देते हैं। वैसे तो तुक बनता नहीं है, गेम काफी अच्छा है, गेम बहुत ही शानदार चलता है यहाँ पर। फिर भी आप देख लो यहाँ पर सेकंड पूरी मेरी हाईएस्ट सेकंड के ऊपर मैं इस गेम को चलाता हूँ हमेशा ही। गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना, काफी मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने के अंदर। बाय द वे गाइस ये वाला गेम मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है 2K23, आई डोंट नो पर ये वाला मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। पर परफॉर्मेंस तो दोनों के अंदर सिमिलर ही मिलती है, ग्राफिक उसके थोड़े से ज्यादा अच्छे कहूंगा मैं यहाँ पर, थोड़े से उसके अंदर डिटेल वगैरह और ज्यादा अच्छे से दिखती है। अबे यार इसने रिवर्सल लगा दी मुझे। नहीं बेटा ज्यादा देर नहीं कर सकते तुम, बहुत बढ़िया तरीके से हम फोड़ेंगे तुम्हें। अरे यार फिर हट गया, फिर रिवर्सल लगा दी उसने। पहले मेरा प्लान था गाइस कि इस वीडियो को मैं शूट करूं, मतलब अपना रिकॉर्ड करके गेम प्ले आपको दिखाऊं यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार कैमरा लगाते हैं, एकदम रियल टाइम परफॉर्मेंस आपको चेकआउट करवाते हैं गेम की, सो इसलिए मैं कैमरे से शूट कर रहा हूँ। बस मेरा फुल प्लान था, मैंने OBS के अंदर सेटिंग भी कर दी थी रिकॉर्डिंग की, फिर मैंने सोचा नहीं यार कैमरे से शूट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यार Asus के F15 यार सारे ही गेम बहुत अच्छे से चला लेता है, मेरा वाला जो लैपटॉप है सारे ही गेम बहुत अच्छे से चला लेता है, मतलब मीडियम नहीं तो लो के ऊपर तो मैं चला लूंगा इसके ऊपर सारे गेम्स जितने भी आने वाले हैं 4-5 साल। एंड GTA 6 भी भाई इजीली चलेगा मेरे लैपटॉप के ऊपर, इतना तो मुझे पता है। चलो स्पाइन बस का लग गया भाई, चलो रॉक बॉटम लगा देते हैं इसको, फिर अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। चल 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 भाई खा ले रॉक बॉटम एक, बहुत शानदार। तो गाइस आपने ये वाला गेम देख लिया, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस जो अपना तीसरे नंबर का गेम है यार, वो तो काफी बवाल होने वाला है, आपको पता होगा ये गेम मेरा आपका हम सभी का फेवरेट गेम है, इसका नाम है गॉड ऑफ वॉर। तो इसको खेलते हैं भाई यहाँ पर, इसको भी चेकआउट करना बनता ही है 2023 के अंदर अपने Asus के F15 के ऊपर। तो भाई देख लेते हैं ग्राफिक सेटिंग यहाँ पर ओरिजिनल के ऊपर रख रखी जो ऑलवेज रखता हूँ, एंड FSR को मैंने रख रखा भाई यहाँ पर क्वालिटी मोड के ऊपर, VSync मेरा ऑफ है। ठीक है भाई गेम अपना शुरू कर लेते हैं, वापस से इसको खेलना पड़ेगा बिकॉज मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया था। लेट्स गो चलते भाई आगे चलते हैं, गेम बहुत ही प्यारा गेम है, इस गेम की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई, आप लोगों को पता ही है। और गेमिंग रिव्यू कर रहे हैं और गॉड ऑफ वॉर को ऐड ना कर रहा तो भाई कैसा गेमिंग रिव्यू, किस काम का गेमिंग रिव्यू भाई, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया यहाँ पर। चल भाई बहुत हो गया, बहुत गले मिल गया पेड़ से, अब काटो भाई क्रैटोस इसे, मैंटोस क्रैटोस। ओके भाई लेट्स डू इट, कम ऑन के बूम, एक और जोर से भाई गजब, एक और भाई बहुत शानदार, एक और एक
वाह वाह गया। देखा भाई कितनी शानदार ग्राफिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, प्लस इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है भाई। एपिक परफॉर्मेंस प्लस एपिक ग्राफिक भाई, कसम से गेम प्ले बहुत ही ज्यादा शानदार बना रहते हैं, एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट लेवल लेके चला जाता है ये गेम अगर आप ये वाली सेटिंग को अप्लाई कर लेते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। इस लैपटॉप के ऊपर या सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप के ऊपर इस सेटिंग के ऊपर आप गॉड ऑफ वॉर को चलाओगे आपको मे बी इस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपके पास 16GB रैम है या फिर 1650 की आई है। 1650 के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको कम यहाँ पे देखने को सकती है, 5-10 FPS आपको कम देखने को मिलेंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। अभी तो इनका प्यार मोहब्बत चल रही है। सोनी इतने प्यारे प्यारे गेम बनाया था लेकिन पता नहीं लास्ट ऑफ अस बनाते टाइम उन्हें क्या हो गया। इसके जो ग्राफिक है ना भाई, उसके 5% के बराबर भी नहीं लास्ट ऑफ अस के ग्राफिक, इतने शानदार ग्राफिक है इस गेम के, लेकिन फिर भी वो इतना अनऑप्टिमाइज गेम है, मतलब पता ही नहीं चलता है क्या भाई उसका सीन। क्रिटिसाइज करना बनता ही उस गेम को यार, बिकॉज काफी लोगों ने किया तो हम क्यों ना करें यार, और मैंने तो एक्सपीरियंस भी किया दो बार। मैंने उस गेम के ऊपर 2 वीडियो बनाए और दोनों के अंदर मेरे को यार मजा नहीं आया सच बताऊं तो, लेकिन जो अपडेट आया था उसके बाद से थोड़ा सा गेम मेरे को सही लगा था। 60 FPS मैंने अचीव कर लिए थे उस गेम के अंदर, पर फिर भी वो स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं था जैसा होना चाहिए, जैसा गॉड ऑफ वॉर के अंदर अभी मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें मैंने सीखी है भाई, गेमिंग रिव्यू में कर रहा हूँ मेरे चैनल को, आई थिंक 1.5 साल हो गया लगभग, तो मतलब इतने गेम मैंने खेल लिए भाई, ये रोज काम है मेरा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो भाई, एक्सपीरियंस अपना फुल ऑन मस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोनी के गेम मेरे को सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन बस लास्ट ऑफ अस के बारे में मैं वो चीज़ नहीं बोल सकता। आज की वीडियो में मैं यार एक से एक स्टोरी गेम यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी सारे जो FPS गेम है उनको भी एक साथ कवर करूँ तो भाई मुझे कॉमेंट करके नीचे जरूर बताना, उनकी वीडियो भी मैं लाने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, जैसे अपन इसकी यहाँ पर लाए हैं। गेम रिव्यू करने में यार मुझे बहुत ही मजा आता है, स्पेशली अपने Asus F15 के ऊपर। वैसे तो एक ही लैपटॉप है मेरे पास अगर, लेकिन अगर कोई भाई अपना गेमिंग रिव्यू करवाना चाहता है अपने लैपटॉप के ऊपर तो मुझे सेंड कर दो, मैं रिव्यू बनाऊंगा उसके ऊपर, और फिर वापस आप अपना लैपटॉप ले जाना, क्योंकि यार मैं सारे लैपटॉप तो खरीद नहीं सकता अभी, बाद में कभी हुआ तो खरीदेंगे। जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा फिर बाद में अपन सब कुछ कर लेंगे, यहाँ पर ब्रांड भी भेजेगी सो, लेकिन वहां तक जाने में अभी काफी टाइम लगेगा गाइस। सो गाइस यार बहुत खेल लिया अपनों ने गॉड ऑफ वॉर, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस अब जो अपन गेम खेल रहे भाई वो मेरा आपका मेरा हम सभी का और आई थिंक पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट गेम है, इसका नाम है भाई GTA 5। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 100+ FPS देखने को मिल रहा है GTA 5 के अंदर भाई, 122। Are you kidding me? इतना FPS कैसे हो गए भाई, ये कैसे संभव हुआ भाई। गोली खाओ पहले तो, तुम इसी बात पे गोली खाओ। तो यार एक बार सेटिंग चेक कर लेते हैं कि सेटिंग के ऊपर गेम चल रहा है, मेरे को भी काफी सरप्राइज मिल रहा है भाई, इतने FPS कैसे आ रहा है इसके अंदर, मैं भी शॉक्ड हूँ। ओके ये तो चलो बनी रहता है मेरा, बाकी देख लेते सेटिंग काय के ऊपर है। ओहो वेरी हाई के ऊपर, वाओ ग्रेट, चलो बढ़िया है। सेटिंग आपने चेकआउट कर लिए, अब गेम भी भाई देख लो थोड़ा। यहाँ पर इस गेम के अंदर इतने FPS भाई मिलना सपने रेसा है, और काफी मजा आता है जब इतने मिलते हैं तो। चल भाई हट जा सामने से। यार बहुत मजा आता है इस वाले गेम को खेलने में, जब भी खेलता हूँ लाइव के ऊपर भी खेलता हूँ तब भी बहुत मजा आता है, और रिव्यू बनाने में भी काफी मजा आता है। सो ओके बारिश यहाँ पे हो रही है। एंड गाइस इसके अंदर अभी मोड नहीं गले में, सो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है, अगर मोड करते हैं गेम के अंदर तो FPS थोड़े से कम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो वापस अपने FPS कम हो गए। आई थिंक मेरी नजर लग गई मुझे 75 के ऊपर आ गए, मुझसे ना लड़ने का। चलो पुलिस की गाड़ी लेके जाऊंगा अपने, मैंने बहुत दिन से पुलिस की गाड़ी नहीं चलाई है भाई। GTA 5 के अंदर FPS फ्लक्चुएट होना बहुत ही मामूली सी बात है, सो इसको ज्यादा माइंड नहीं करना। 16GB रैम है मेरे पास, और 16GB रैम के ऊपर GTA 5 कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस आपको देता है, और यहाँ पर आप देख लो 60 तक FPS आ गए, मतलब इतने ड्रॉप हो रहे हैं। इसके अपडेट आए थे ना भाई जब से इसकी वाट लग गई थी गेम की, वरना पहले के आलम बहुत ही अच्छे थे GTA 5 के, मैंने पहले रिव्यू किया, आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो, जाके आपको मजा आ जाएगा भाई देखकर। और अभी मैं बहुत ही डिमांडिंग एरिया के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ, सो उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन उस टाइम भी मैं चलाता था लेकिन तब भी मुझे अच्छे FPS देखने को मिलते थे, एटलीस्ट 60 की रेंज में तो नहीं आते थे भाई, कुछ भी हो जाए, पर अभी 60 की रेंज में आ गए हैं। ये दुबस्का लेते हैं, रेड कलर की बहुत प्यारी लग रही है। GTA 5 में मैं काफ़ी दिन के बाद खेल रहा हूँ सो। अरे भाई जीमी गया भाई, आई थिंक जीमी को ठोक दिया मैंने, पूरी दुनिया की पुलिस मेरे पीछे लग गई यार, बचा ले यार प्लीज़। अरे भाई, अब तो मुझे मेरा शस्त्र निकालना पड़ेगा खतरनाक वाला, अब तो एक ही चीज़ बचा सकती है इन सबको। ओहो हो अब तो मैं यही कर सकता हूँ सिर्फ, माइकल के घर के अंदर इतनी उधम मच रही है, माइकल पता नहीं सो रहा होगा घोड़े बेचकर। यार हद ही हो गई है, GTA 5 के अंदर शुरू में इतने अच्छे FPS देखने को मिले थे और अभी ऐसे कम मिलने को, और अभी इतने कम देखने को मिल रहे हैं यार भाई, मजाक लगा रखा है क्या। मेरे पास तो यही है भाई, मैं तो इससे मार सकता हूँ बस, इसके अलावा मैं किसी चीज़ से नहीं मार सकता। चलो राइफल मेरे को लेनी पड़ेगी। ओ भाई लग गए अपने यहाँ पर,
तो गाइस आपने देख लिया GTA 5 द अमेजिंग गेम कैसा चला अपने Asus का F15 के ऊपर। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं जिसके अंदर मैं बहुत सारे गेम को एक साथ टेस्ट करूं, तो भाई आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना, यस 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 कर देना, हाँ हाँ बोल देना, बस ऐसे कर देना। तो भाई इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा और बहुत सारे गेम के साथ आएगा। इस बार थोड़े गेम कम थे लेकिन नेक्स्ट वाला भाई उसके अंदर गेम्स काफी होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।